हर किसी में साधु शमशान और हैवान होता है, जिसका जब जो जागृत हो जाता है वो उस क्षण वही करता है। अब यह स्वयं पर डिपेंड करता है कि आप किस पर अपना कमांड रखते हैं। जिन्हें आपकी फिक्र और कदर न हो, उनके लिए जीना या उनके लिए कुछ करना आपको सदा कष्ट ही देगा। यदि उनके लिए कुछ करते हैं तो उनसे कोई उम्मीद न करें, क्योंकि यह उम्मीद आगे चलकर आपके लिए बहुत ही कष्टदायी होगा। फिक्र उनकी करनी चाहिए जिन्हें आपकी कद्र हो, अन्यथा लोग आपको मूर्ख समझते रहेंगे और आप अपनी कद्र खोते रहेंगे। इसलिए हमेशा फिक्र उनकी करें जो आपकी कद्र करते हैं। जिनके भी करीब जाओ, जब वो दर्द देकर चले जाने लगें तो लोगों के करीब जाना ही बंद कर दीजिए, अन्यथा लोग काम निकाल करके छोड़ते ही रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही स्वार्थी किस्म के लोग होते हैं। किसी को उपेक्षित करके आप उससे दूरियां अवश्य बढ़ा लेंगे, किंतु उससे मिलने वाले लाभ से आप वंचित हो जाएंगे। इसलिए कब कहां किसे कितना उपेक्षित करना है इसका ध्यान रखिए, अन्यथा एक समय आएगा कि आपसे हर कोई दूर हो जाएगा और आप अकेले रह जाएंगे। रिश्ते और संबंधों की सार्थकता तभी है जब एक दूसरे का सहयोग और साथ दिया जाए। जब ऐसा नहीं होता है तो लोग हो के भी नहीं होते हैं और लोग इसकी पूर्ति कहीं और से करने लगते हैं, जिसके कारण संबंधों में दुराव होने लगता है। जो लोग आपके सहयोग और साथ देने के बाद भी आपका सहयोग और साथ नहीं देते हैं, उनसे बस औपचारिक संबंध रखना शुरू कर दें, अन्यथा आप अपनी कद्र खो देंगे और हानि भी मिलने लगेगी, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी अच्छे नहीं होते हैं। जो जिससे खुद से अधिक प्रेम करता है और जब उसे उससे प्रेम नहीं मिलता है तो वह प्रेम खिलरा में बदल जाता है। फिर ऐसे को पाना अत्यंत कठिन हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही कठोर हृदय के हो जाते हैं और फिर इनके ऊपर लोगों का असर बहुत नगण्य हो जाता है। याद रखिए, लोग किसी के समीप तभी जाते हैं और रहते तभी हैं जब उनकी ज़रूरत हो। इसलिए लोगों की ज़रूरत बनिए ज़रूरतमंद नहीं, अन्यथा कहीं भी आपकी कोई कद्र नहीं रहेगी। प्रतीक्षा बहुत पीड़ा देती है और कोई भी प्राणी पीड़ा नहीं चाहता है। लोग प्रतीक्षा वहीं करते हैं जहां उनका बस नहीं होता है, और जो प्रतीक्षा जैसे पीड़ा देते हैं वैसे अपना महत्व खो देती है, क्योंकि पीड़ा हमेशा महत्वहीन व्यक्ति को बना देती है। इसलिए किसी को पीड़ा ना दें।